हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल लाइफ देसी वाइब्स। और मैं हूं आप सबकी मौमिता। तो जैसा कि अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है कुछ दिनों में, तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक गणेश चतुर्थी में एक उसके लिए एक टेंपल बनाऊंगी। तो मैं घर पे जो भी सामान थे उससे आज एक टेंपल बना रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये एक थर्मोकॉल का पीस है जो कि पड़ा हुआ था घर पे किसी गिफ्ट बॉक्स का था, तो इसको मैंने लिया है। और इस तरह से मैं दो कार्डबोर्ड को काट ली हूँ उसके साइज का, और मैं इसको दोनों साइड से चिपकाऊंगी क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टीप बनाना है, हार्ड बनाना है, तो थर्मोकॉल थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं दोनों तरफ से इसको चिपका दूंगी। तो मैं ये बेस बना रही हूँ जिसपे मैं भगवान जी को बैठाऊंगी। तो इसके लिए मैं अभी दोनों तरफ चिपका लिए हैं, अभी साइड में मैं इसको चिपकाऊंगी, इसलिए मैं इसको नाप के काट के फिर इस तरह से चारों तरफ मैं चिपका लूँगी। तो अभी चारों तरफ ये चिपक गया है और मैं इसको मास्किंग टेप से अच्छे से इसको और अच्छा मजबूत बनाने के लिए इसको चिपका रही हूँ ताकि ये निकल के ना आए। तो इसको थोड़ा सा हार्ड बनाना है क्योंकि ये ही मेन बेस है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चिपका लिया, और मैं अभी एक कलर पेपर ली हूँ और इसका नाप से मैं इसको चारों तरफ थोड़ा सा बढ़ा के इसको काट लूँगी ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए ऊपर नीचे होके। उसके बाद मैं इसको सेलो टेप के हेल्प से इसको अच्छे से पैक कर लूँगी, जैसा कि हम लोग गिफ्ट पेपर रैप करते हैं उस तरह से आप इसको रैप कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये रैप हो गया एकदम बिल्कुल अच्छा सा, हार्ड हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अभी मैं इस पे एक प्लास्टिक का ढक्कन ले रही हूँ जिसके ऊपर मैं भगवान जी को स्थापित करूँगी। ये एक बेदी टाइप का बन रहा है, तो इसके लिए मैंने ये जो वेलवेट पेपर होते हैं ग्लिटर पेपर उसको काट के मैं इसके ऊपर चिपकाऊँगी। और इसको आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरह से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, थोड़ा थर्मोकॉल का बॉल लगा रही हूँ इसके ऊपर, तो ये एक अच्छा सा बन जाएगा, बहुत प्यारा लग रहा है इस तरह से। और अभी मैं ये टेंपल का जो है छत उसको बनाऊंगी। मेरे पास ये एक थर्मोकॉल का इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ था, ये शादी के जो मिठाई हम लोग भेजते हैं उसका जो ढक्कन होता वो है, तो उसी को मैं रीयूज़ कर रही हूँ। इसको अच्छे से भी पेंट वगैरह करके मैं इसका यूज़ करूँगी। तो हमारा मंदिर जो है कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों ने इसी बीच इसके छत को जो पेंट कर लिया, और सामने में जो आप देख रहे हैं शीशे जैसा उसको मैंने सीढ़ी को लेके काट के उसको इस तरह से ट्रायंगल जैसा काट के मैं इसको उसमें चिपका दी हूँ। और ये जो स्टैंड है चारों तरफ वो पेपर से बनाई हूँ, और इसमें मेरे पापा ने भी मुझे हेल्प किए, तो अभी मम्मी और मैं मिल के फाइनल टच दे रहे हैं। और मैं अभी चारों तरफ से जो पर्दा है उसको लगाऊंगी इसको ढकने के लिए, तो वही मैं पेपर से कट के बना रही हूँ।
तो ये अभी बन गया है। अभी मैं इसको बीच से चिपका लूँगी और फिर इसको मैं अपने मंदिर के चारों तरफ इसको चिपका दूँगी, अच्छे से इसको सपोर्ट करके चिपका दूँगी। तो यही था मेरा टेंपल मेकिंग जो मैंने छोटा सा बनाया घर पे। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।